2018 में इलन के स्टूडेंट्स ने परचम लहराया। टॉप 100 में जयपुर इलन के 4 स्टूडेंट्स ने जगह बनाई। दिल्ली एम्स में पहली बार जयपुर के स्टूडेंट्स पहुंचेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, उनपे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था। एनसीईआरटी बहुत अच्छे से मैं पढ़ के गई थी क्योंकि वहाँ पे असोशियल रीजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो प्योरली आपके आप कितना डीप कॉन्सेप्ट आपको आता है उस पर बेस्ड होते हैं। तो मैंने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी थी और एमसीक्यू के लिए मैंने थोड़ी जेई मेन्स के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे क्योंकि एम्स में थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चन आते हैं। और बाकी जो एलिन के अंदर पेपर्स होते थे उसमें टाइम मैनेजमेंट और इन सब की साक्षी। नीट में क्या कौन सी रैंक थी और अब एम्स में कौन सी रैंक रही है? सर, नीट में मेरी एसटी कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 10 थी और एम्स में मेरी 8th रैंक है। और जनरल की अगर बात करें? जनरल में मेरी नीट में 2269 थी और एम्स में 2009। पीछे रही उसके बावजूद एम्स जो कि ज़्यादा टफ और कठिन एग्जाम है उसके बावजूद उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्म किया। एलएन के ही ऑल इंडिया टॉप 10 में से 9 स्टूडेंट एलएन सिस्टम से जगह बना चुके हैं। आज अगर हम देखें तो जयपुर के लिए एक बहुत प्राउड फीलिंग है कि दिल्ली एम्स में करीब पिछले 4 या 5 साल बाद ऐसा होगा कि इस साल दिल्ली एम्स जो कि सबसे बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान माना जाता है मेडिकल प्रिपरेशन का, वहाँ पे जयपुर से ही 5 या 6 स्टूडेंट जाने वाले हैं जो कि 5 या 6 साल बाद वो मौका मिला है। और इसका क्रेडिट बच्चों पे, उनके माता पिता पे और डिफरेंशिएट लेवल पे। अगर हम नीट और एम्स की प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे बड़ा फैक्टर नीट की प्रिपरेशन में रहता है कि स्टूडेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करते हैं और कॉन्सेप्चुअल लेवल पे डेवलपमेंट होता है। जबकि हम एम्स में देखें तो डिसीजन मेकिंग होते हैं असर्शन रीजन के क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए स्टूडेंट के बिल्कुल रूट लेवल पे कॉन्सेप्ट